एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी को ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, मैं सोकर उठ चुकी हूँ और मैं कल गई थी मार्केट। सो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मार्केट से आके, और मैं गई थी शादी की शॉपिंग करने। सो शादी पास में ही है और घर में ही शादी है, सो समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेकर आऊँ। कल मैं गई थी यहाँ की मार्केट में और मैंने बहुत सारी ड्रेसें देखी। सो गाइज, आप सबने ब्लॉग में देख लिया होगा कि मैंने कितनी सारी ड्रेसें देखी हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि नया कलेक्शन नहीं था और उस टाइप की मैं सारी ड्रेसें पहन चुकी हूँ। और गाउन वगैरह मुझे लेनी नहीं है क्योंकि बहुत सारी गाउन हो चुकी है। हर पार्टी में मैं गाउन या लहंगे ही पहनती हूँ। मैं सोची कुछ अलग सी ड्रेस लेकर आऊँ, तो यहाँ की मार्केट में तो है नहीं। फिर मैं आज फिर जाऊँगी, जाने की हिम्मत ही तो नहीं है क्योंकि मैं कल ही बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा धूप है। ज़्यादा तो परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि एकदम से बाहर निकल के और बहुत तेज धूप, गर्मी, तो शॉपिंग उसमें करना और साथ में बच्चे भी, सो इससे परेशान हो जाते हैं मार्केट में जाके। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 10-11 बजे निकलूँ और कोई दूसरी मार्केट जाऊँ यहाँ की, और मैं वहाँ से कुछ आउटफिट लेकर आऊँगी अपने लिए। सो देखती हूँ गाइस मैं क्या लेकर आती हूँ और मुझे क्या पसंद आएगा मार्केट में जाके। और कुछ नहीं अच्छा लगा तो फिर तो लास्ट चॉइस नो डैडी नो बेटा, फिर कुछ नहीं पसंद आएगा तो फिर लहंगा ही लेके आना है। सो देखती हूँ लहंगा लेकर आऊँगी या फिर कोई और ड्रेस पसंद आ गई तो वो लेकर आऊँगी। सो आप सबको सब दिखाऊंगी और यहाँ की मार्केट की शेयर कराऊंगी। सो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जब तक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस मैं जाने से पहले कर लेती हूँ घर का काम और मैं बना लेती हूँ नाश्ता क्योंकि अभी कल मार्केट गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए और फिर अब उठे हैं सोकर। आई थिंक बज चुके हैं 6:30 बजने वाले हैं। तो मैं सोचूँ फटाफट काम निपटा लेती हूँ और बच्चों बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मिला लेती हूँ। और मैं आज सोचूँ कि मैं आज नाश्ते में बनाऊँ पकौड़ियाँ प्याज की, क्योंकि टैडी के पापा बोल रहे थे कि प्याज की पकौड़ी बना के खिलाना मुझे। आज मैं सोची हूँ कि आज उन्हें खिलाई देती हूँ प्याज की पकौड़ी बनाकर, और टैडी भी प्याज की पकौड़ी खाएगा आज। हेलो गाइस बोलो, प्यार कर दो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। क्यों आप शैतानी कर रहे थे? क्यों कर रहे थे आप शैतानी? यस शैतानी। सुनो, आप शादी में क्या पहनोगे? मामा की शादी में जींस पहनोगे और कुछ नहीं पहना? जींस पहनोगे, ओके। कौन लेकर आएगा आपकी जींस? नानी लेकर आएंगी जी। इस गधे का कुछ नहीं पता, इसकी शॉपिंग भी करनी है, दोनों बच्चों की शॉपिंग करनी है मुझे और अपनी शॉपिंग करनी है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि ड्रेसें आजकल कितनी भी सिले हुए क्रॉप टॉप वगैरह कुछ भी ले लो उनमें भी स्टिचिंग वगैरह करानी होती है। और टेलर का पता ही आप सबको, टेलर एक दिन मुझे दो दिन नौ बेटी नौ क्योंकि टेलर को एक दो घंटा तो चाहिए होता है, कितनी भी जल्दी करे एक दिन तो वो जरूर मांगते हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं सिली हुई ड्रेस ही ले आऊँ, स्टिच हुई भाई, जिसमें टाइम भी नहीं लगेगा, और बिना स्टीचिंग के लाऊंगी तो टाइम भी नहीं है, शादी पास में ही है। और देखती हूँ मैं क्या लाती हूँ, मुझे क्या पसंद आता है मार्केट में जाके। सो आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और आज मैं बना रही हूँ प्याज की पकौड़ी। सो आप सबको उसकी रेसिपी भी दिखा देती हूँ साथ के साथ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और चलिए ये देखिए मैंने प्याज वगैरह अच्छे से बारीक बारीक काट ली है, और थोड़ी बड़ी बड़ी मतलब गुचड़ मुचड़ करके सब तरह की इसमें प्याज काट लिया मैंने, छल्ले वाली भी, बारीक बारीक भी और थोड़ी मोटी भी। और ये मैंने बेसन में मिलाकर रख दिया, और इसमें मैंने डाला धनिया और सारे मसाले, नमक, मिर्च और गरम मसाला, हींग सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हमें बनाने वाली हूँ पकौड़ियाँ, आप देख सकते हो, और हरा धनिया हरी मिर्च भी डाल दी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस टैडी के लिए नाश्ता तैयार हो चुका है, अब चलते हैं टैडी के पापा को देने नाश्ता। टैडी कैसी लग रही है आपको पकौड़ी? यम्मी है। तो गाइस मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट और ड्रेस लेने अपनी। सो आपको दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट, और ये भी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आऊँगी और कहाँ कहाँ जाऊँगी, सब आपको दिखाऊंगी, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलिए देर ना करके उससे पहले निकलते हैं मार्केट के लिए और मिलते हैं आपसे रास्ते। आ चुकी हूँ शॉपिंग करके। सो हमारी फाइनली शॉपिंग हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी और बच्चों को भी संभालना था साथ में। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और अपनी कैसी ड्रेस लेकर आई हूँ उस ब्लॉग के बाद दिखाऊंगी अपनी ड्रेस और क्या लेकर आई हूँ सब दिखाऊंगी, क्या क्या मैंने शॉपिंग की है। सो आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।